Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो मैं आ चुका हूँ मॉल में सबा मैम के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने. मैंने सब लोगों से सजेशन मांगा था कि मैं उनको क्या गिफ्ट करूँ, बट मुझे कमेंट में बस दो ही तीन लोगों ने बताया. मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको हैम्पर गिफ्ट कर देता हूँ बनाकर, जिसमें चीज़ें रहेंगी जो उनको हमेशा काम आएंगी. तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए मैं वो सोच रहा हूँ कि मैं बनाना तो चाहता हूँ हैम्पर, बट मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं लूँ क्या क्या. तो चलिए देखते हैं. काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप वापस खुशामदीद रेस्टोरेंट कब जाएंगे कब जाएंगे. तो मैं जल्दी ही जाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सनी भाई और सबा मैम के लिए दोनों के लिए कोई हैम्पर बना के ले जाऊँ, बिकॉज़ उनकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ग्रो किया, जो मुझे दिल से बहुत खुशी है इस चीज़ की. और मुझे लगता है इसके लिए मुझे ज़रूर उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहिए. तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मैं बहुत जल्दी में गया था, तो मैं कुछ भी नहीं ले जा पाया था. बट दिस टाइम मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाना चाहता हूँ. तो मैं उनके लिए एक हैम्पर बनवाने वाला हूँ, और हैम्पर में क्या क्या जाएगा वो सब हम लोग यहीं से ख़रीदने वाले हैं मॉल में से. तो चलिए देखते हैं. जो जो मैम के ब्लॉग्स देखता है उन्होंने देखा होगा उनकी, मैंने कभी भी उनकी मॉर्निंग की स्टार्टिंग देखी है ब्लॉग की, तो उन्होंने हमेशा ग्रीन टी से किया है. तो सबसे पहले मैंने सोचा है उनको अलग अलग फ्लेवर्स की मैं ग्रीन टी गिफ्ट करता हूँ, जो उनके यूज़ भी आएगी और उनके लिए अच्छा भी रहेगा. तो चलिए पहले ग्रीन टी देखते हैं. चलिए अब ढूंढते हैं अच्छी सी ग्रीन टी कहाँ मिलेगी. मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कहाँ मिलती है ग्रीन टी, बट मुझे देना है बिकॉज मुझे लगता है ग्रीन टी एक अच्छा आइडिया रहेगा. और आप लोगों ने और मुझे काफ़ी सजेशन दिए थे कि फ़ोटो फ्रेम दे दो और काफ़ी कुछ, बट मुझे लगता है फ़ोटो फ्रेम पता नहीं लगाएंगी कि नहीं लगाएंगी. दैट्स व्हाई मैं ग्रीन टी ढूंढ रहा हूँ. तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं गाइस. ए फ्यू मिनट्स लेटर, ग्रीन टी कहाँ मिलेगी? देख रहा हूँ मैं यहाँ पे ग्रीन टी कहाँ पे है. मुझे अच्छी वाली ग्रीन टी चाहिए, तो कहाँ देख सकता हूँ मैं? यहाँ पे ग्रीन टी के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मुझे जैसी चाहिए बहुत सारे फ्लेवर्स वैसा कुछ नहीं है. ग्रीन टी एक बार इधर भी देख लेते हैं. मिक्स में नहीं मिलेगी टी जो अलग 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 बॉक्स में बनी हुई आती है? आपको हाँ टेमिक्स में चाहिए चाय पीने के लिए सर. चाय ग्रीन टी में पीनी नहीं है, मुझे पैकेट चाहिए. मसाला चाय पत्ती नहीं नहीं ग्रीन टी. ग्रीन टी में सर जो है वही आपके बच्चे है तो वही अवेलेबल है सर. यहाँ पे कहीं और है जहाँ पे ग्रीन टी मिलती है अच्छी? ग्रीन टी पैकेट चाहिए मुझे, डिफरेंट डिफरेंट पैकेट. आपको खुले में चाहिए डिफरेंट में पैकेट का, तो खुले में आएगा आपको बस सर ग्रीन टी में टाइप में आएगा. वहाँ पे रखता है तो ग्रीन टी तो अच्छी वाली मुझे मिल गई. अब देखता हूँ मैं और क्या मिल सकता है. खाने पीने की चीज़ें अच्छी अच्छी लग रही है मुझे. तो मुझे लग रहा है ये उनकी अम्मी, तो इसमें से मैं कुछ ले लूं. अकेला हूं, काफ़ी कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, क्या लेना चाहिए मुझे? इसका भी नहीं लिखा उधर ही है बॉक्स सबका. तो गाइस मुझे उनकी अम्मी के लिए भी कुछ अच्छा सा खाने पीने का कुछ मिल गया, तो मुझे लगता है उनको अच्छा लगेगा, तो मैंने ले लिया है. अब देखते हैं, मैं आपको सब कुछ एक साथ दिखाऊँगा लास्ट में. और गाइज मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनके लिए एक परफ्यूम भी ले लूँ, क्योंकि परफ्यूम तो हर कोई यूज़ करता ही है. अच्छी सी कोई फ्रूट वाली कोई प्यारी सी कोई अच्छी सी परफ्यूम ले लेता हूँ. चलिए देखते हैं परफ्यूम अच्छी परफ्यूम लेनी तो है, बट कौन सी लेनी है वो मैं सोच रहा हूँ कि मैम को कौन सा परफ्यूम अच्छा लगेगा, क्या लिया जाए. ये दे दो क्या? ये तो पूरा पैक बना हुआ है, अच्छा भी लग रहा है ना.
मैंने यहाँ से भी ख़रीद लिया है परफ्यूम्स, आपको घर जाकर दिखाता हूँ कौन कौन सी परफ्यूम्स मैंने ख़रीदी है। तो चलिए चलते हैं, कुछ और देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या लें हम लोग, आप लोगों ने सजेशंस ही नहीं दिए मुझे अच्छे अच्छे। दूसरों की मदद करने का तो जमाना ही चला गया हो। देने चाहिए था तो मैं ले लेता था कुछ, अब फोटो फ्रेम कौन देता है ना। अभी मैं क्या दे, सभा मैम के लिए इतने गिफ्ट्स ले ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ अपने लिए भी कुछ ले ही लूँ आया हूँ। तो चलिए अपने लिए भी कुछ सिलेक्ट करता हूँ। ऑप्शन है मेरे पास, आप बताओ कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे आप क्या ही बताओगे क्योंकि ये वीडियो जब तक आएगा तब तक मैंने ले लिया होगा। कंफ्यूज, आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये भी मस्त लग रही है ना, क्या लेना चाहिए आपके हिसाब से। मैं सोच रहा हूँ उनके लिए कुछ ऐसा भी देखूँ जो अपने वो रेस्टोरेंट में या घर पे रख भी सके। तो चलिए कुछ देखते हैं, शो प्लांट वगैरह। कन्फ्यूज़, अभी मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ तो मैं सोच रहा हूँ पाँच थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। मुझे तो लगा मैं ऐसे ही बना लूँगा हैम्पर, जल्दी जल्दी से बन जाएगा, लेकिन बाप रे हैम्पर बनाना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे अभी पता चल गया है। तो अभी मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, बिकॉज मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें तो ख़रीद ली हैं लेकिन थोड़ी बहुत रहती हैं। तो अभी मैं पहले कॉफ़ी पी लेता हूँ, उसके बाद देख। तो गाइस ये स्पेशल वीडियो आप सब लोगों के लिए है जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है, अनएक्सपेक्टेड था वो मेरे लिए, और वो सब कमेंट्स तो मैं आपको ज़रूर पढ़ के बताऊंगा लास्ट में। लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ किसी कोई आने वाला है स्पेशल जो मुझे गाइड करेगा कि मुझे और गिफ्ट्स में क्या क्या लेना चाहिए। तब तक के लिए मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए पर्सनल। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे अप्रिशिएट किया है कि आप एकदम सही बोल रहे हो, कॉफ़ी चाची ऐसा करती है, चाय चाची ऐसा करती है, वो नेगेटिविटी फैला रही है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया कि मैंने कुछ गलत वीडियो नहीं बनाया है। क्योंकि मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर सामने वाला इतना गलत बोल रहा है और उसके बावजूद उसको समझ में नहीं आ रही है तो हमें भी उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है लास्ट 3 से 4 वीडियोस से आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हो ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हूँ इस चीज़ से। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे पहले के व्लॉग्स हैं वो भी आप ज़रूर जाके देखो, आप लोगों को पसंद आएंगे। मुझे पहले से ही पता है कॉफ़ी चाची को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली है उनके ऊपर, बिकॉज़ जो जैसा है हम उसे चेंज तो कर नहीं सकते, और ऊपर से लोग भी तो नेता सपोर्ट करते हैं ना वीडियोज़ में आके, तो जो उनके हेटर्स होंगे मैम के वो इसे सपोर्ट करते हैं। तो अभी ये तो और बोलेगी, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो बल्कि सब्सक्राइबर्स के लिए भी बोलती है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक्चुअली वो सीरियसली चाची ही है, क्योंकि उनके लिए उनको ना सब इन्फ्लुएंसर्स बुरे ही लगते हैं और खुद बड़ी बहुत अच्छी है, उनको ऐसा फील होता है। मैं 16 साल की हूँ तो अभी उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। एनीवेज मैं जब सभा मैम और सनी भाई के रेस्टोरेंट में जब जाऊँगा तो स्पेशली मैं बहुत अच्छा व्लॉग करने वाला हूँ।
और आप लोगों को मेरी वीडियोस को ऐसे ही सपोर्ट करना है, ऐसे ही लाइक करना है, कमेंट्स भर भर के करने हैं जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, और मेरी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देना है और सपोर्ट करना है। और आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, आपको पता है लास्ट में मैं स्पेशल वीडियोस भी बनाता हूं, बिकॉज कोई इतना टाइम निकाल के कमेंट करता है तो उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मुझे इतना मिल रहा है अप्रिशिएशन तो आप लोगों को भी बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतने लोगों के कमेंट्स हमेशा पढ़ने वाला हूँ, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ने में, और आप लोगों को वीडियोस भी बहुत पसंद आ रहे हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद आ रही है बात। तो चलिए, बहुत सारी बातें आप लोगों से कर ली, और आप लोगों को भी कोई सजेशंस मुझे देने हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए, मैं आपके सजेशन ज़रूर लूँगा। और अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। और चलिए फिर शुरू करते हैं गिफ्ट्स की हंटिंग। तो अभी थोड़ी हो चुकी है गिफ्ट की शॉपिंग, अभी थोड़ी और बची है, तो चलिए वापस शुरू करते हैं गिफ्ट की हंटिंग। और साथ में जो स्पेशल पर्सन है वो मेरी हेल्प करने भी वाले हैं, तो चलिए उसके साथ हेल्प भी हो जाएगी और फटाफट हम लोग गिफ्ट्स भी ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस मॉल के अंदर।